बस्तर के बच्चों में लगातार बढ़ रहे कुपोषण के आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर कलेक्टर अयाज तंबोली ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम हरिक नानी बेरा दिया गया है। दरअसल हरिक नानी बेरा को बस्तर के स्थानीय हल्बी बोली से लिया गया है, जिसका अर्थ खुशहाल बचपन होता है। बस्तर में बच्चों को उचित न्यूट्रिशन युक्त भोजन न मिल पाने की वजह से उनमें कुपोषण देखा जाता है, जिस वजह से अब आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह के 3 दिन बच्चों को अंडा व 3 दिन मूंगफली गुड़ के लड्डू दिए जाएंगे। इस संबंध में बस्तर कलेक्टर तंबोली ने बताया कि अभी बस्तर जिले के 82 आंगनवाड़ी केंद्रों को चयनित किया गया है। यहाँ बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत 45 से अधिक है। प्रथम चरण में इन योजना से लगभग 18 बच्चे प्रभावित होंगे, वहीं दूसरा चरण भी जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। वहीं केवल बस्तर जिले के आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो लगभग 70,000 बच्चों में 24,000 बच्चे कुपोषण और 7,000 बच्चे गंभीर कुपोषण है। अब देखना ये होगा कि इतनी योजनाओं के बाद बच्चों के कुपोषण की प्रतिशत में कमी नहीं आई है तो क्या वाकई ये नया योजना बच्चों के जीवन में खुशहाली लाएगी। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी।